नमस्ते। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बदलाव भारत की तकदीर को बदल कर रख देगा। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं जीके पॉइंट स्टडी में, और आज हम चर्चा करने वाले एक ऐसे विषय की जो पूरे भारत की तकदीर बदल के रख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। हमारे सामने कुछ डेटा मौजूद है, उन डेटा को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन बाय कंसीडरिंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल्स इन इंडिया। भारत के स्कूल्स में स्टूडेंट के ड्रॉप आउट की क्या रेट है, इसके लिए हमने द हिंदू के एक आर्टिकल की स्टडी की। तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि इनिशियल लेवल, अगर हम ये माने कि 100 बच्चे इनिशियली एडमिशन लेते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन के बाद इनकी संख्या लगभग 94 रह जाती है, और सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 10th पास करने के बाद इनकी संख्या 75 रह जाती है, और सीनियर लेवल पर 12th पास करने के बाद इनकी संख्या 70 रह जाती है। मतलब जिन्होंने शुरुआत की, सीनियर तक पहुँचते पहुँचते 30% बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। जब इस डेटा को हमने अलग अलग लड़के और लड़कियों के लिए स्टडी किया तो पाया कि मोर और लेस लड़के और लड़कियों की ड्रॉप आउट रेट सेम है। आप देखिए कि सबसे जो बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है वो कहाँ बदलाव देखने को मिल रहा है, एलिमेंट्री टू सेकेंडरी 94 to 75, 19% की गिरावट हुई है। पहले में हुई है 6% की गिरावट और यहाँ पे हुई है 5% की गिरावट। तो आप देखिए सबसे बड़ी जो गिरावट आती है वो आती है 10th क्लास के बाद। द हिंदू 4/1/2019 के आर्टिकल के अनुसार आप देख पा रहे हैं, इसमें थोड़ा और विस्तार से गए हम, हमने अलग अलग राज्यों के आंकड़ों को स्टडी करने की कोशिश की। तो आप देखिए झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सभी के आंकड़े हमारे सामने हैं। तो झारखंड में देखिए कि 100 बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं तो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद यानी कि 10th पास करने के बाद 53 बच्चे ही रह जाते हैं। तो आप देखिए 47% की बहुत बड़ी गिरावट है यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में आप देख पा रहे हैं कि ये 56 बच्चे रह जाते हैं 10th के बाद, 12th के बाद 38 बच्चे रह जाते हैं, बहुत बड़ी गिरावट है। तो 100 बच्चों ने अपनी पढ़ाई शुरू की एलिमेंट्री से और 12th पास करते करते 38 बच्चे रह गए, झारखंड में 30 बच्चे रह गए। तो कितना ज़्यादा ड्रॉप आउट है यहाँ पर। नागालैंड में भी आप देखिए कि 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन 80 बच्चों ने पास की, और सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आपके 55 बच्चे रह गए, और सीनियर एजुकेशन के बाद आपके 44 बच्चे रह गए। कितने बड़े ड्रॉप आउट हैं। ऐसे ही बिहार में ये आंकड़ा 46 तक पहुंच जाता है। ये सारे आंकड़े डराने वाले हैं। अगर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो आपकी अंतिम दो रो हैं, और उत्तराखंड पंजाब, इनमें थोड़े से आंकड़े संतोषजनक है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे दूसरी और तीसरी फिगर में सबसे बड़ा अंतर है। मणिपुर में आप देखिए 84-67 सबसे बड़ा अंतर, मध्य प्रदेश में देखिए 94-72 सबसे बड़ा अंतर, उत्तर प्रदेश में 91-79 10th के बाद ड्रॉप आउट करने वाले बच्चे सबसे बड़ा अंतर, पंजाब में 97-89 सबसे बड़ा अंतर। तो आप देखिए मोर और लेस सारे राज्यों में एक जैसी स्थिति है, सबसे ज़्यादा बच्चे 10th क्लास के बाद ड्रॉप आउट होते हैं। तो कभी किसी ने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि ये बच्चे 10th के बाद ड्रॉप आउट क्यों हो जाते हैं और ये भारत की तकदीर बदलने में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए आगे समझेंगे इसको हम। इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स कॉमन सब्जेक्ट टॉट एट 10th लेवल आर, ज़्यादातर स्कूलों में जो 10वें क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो ये सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती, जो भी मातृभाषा है वो पहली सब्जेक्ट रहती है, फिर इंग्लिश है सभी में, फिर मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज़ हैं, और साइंस है। साइंस 70+30 या 80+20 का हो सकता है, 70 आपकी थ्योरी का है और 30 आपके प्रैक्टिकल का है। और एक आध जगह कुछ ऐसे बोर्ड हैं जहाँ पे संस्कृत को भी शामिल किया गया है। तो लगभग ये 5 सब्जेक्ट मोर और लेस लगभग सारे बोर्ड्स पढ़ाते हैं। अब ट्रेंड ऑफ फेलोअर, अगर हम फेल होने की रेट देखें तो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के 22/5/2019 के एक आर्टिकल की स्टडी की, जब गुजरात का रिजल्ट प्रकाशित हुआ था तो उससे ये हमने डाटा पाए, और राज्यों की भी स्टडी की हमने, तो डाटा लगभग इसी रेंज में आ रहे थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस आर 3 मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स इन विच स्टूडेंट्स फेल इन 10th क्लास। ज़्यादातर बच्चे फेल किस में होते हैं, मैथमेटिक्स में, साइंस में और इंग्लिश में। आप देखिए मैथमेटिक्स में जो फेलोअर की रेट है वो 31-32% है, साइंस में भी लगभग 32% है, इंग्लिश में 30.40% है। तो आप देख सकते हैं कि जो फेलोअर की रेट है, और इसका सोर्स जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया है, फेलोअर की रेट जो आ रही है वो लगभग बराबर आ रही है, इन तीनों सब्जेक्ट्स में बराबर आ रही है। अब एक बच्चा जिसे आगे जा करके साइंस नहीं पढ़ना है, जिसको सोशल स्टडीज़ पढ़ना है, जिसे मैथमेटिक्स आगे जाके नहीं पढ़ना है, वो बच्चा इन सब्जेक्ट्स को 10th क्लास में क्यों चुनने के लिए हम उसे मजबूर करें। इन सब्जेक्ट के कारण वो बच्चा 10th में फेल हो जाता है और वो ड्रॉप आउट कर जाता है। ड्रॉप आउट करने के बाद वो कोई छोटा मोटा काम करने लगता है, उसका आत्मसम्मान भी गिर जाता है, उसे लगने लगता है मैं फेलोअर हूँ, सोसाइटी, हमारा परिवार, हमारा समाज भी उसे ताने मारते हैं कि वो फेल है, 10th में पास नहीं हो पाया है। तो वो अपने आप को निम्न दर्जे का महसूस करने लगता है। हो सकता है उसके अंदर कोई दूसरी बेहतर कला हो,
उसके अंदर कोई दूसरा बेहतर टैलेंट हो, हम उस टैलेंट को एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं और उसे हम ओपन दुनिया में छोड़ देते हैं। कहीं बेटा जा, तू 10th क्लास फेलोअर है, तेरा कोई वजूद नहीं है, तू छोटा मोटा निम्न श्रेणी का व्यक्ति है, और ये हीन भावना कई बार व्यक्ति को तोड़ कर रख देती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हमें बच्चे को वही पढ़ाना चाहिए जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसमें बच्चे का हुनर है, जिसमें बच्चे का टैलेंट है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? स्टूडेंट शुड हैव फ्रीडम टू चूज 2 to 3 सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस इन विच 50 marks शुड बी ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड 50 marks फॉर थ्योरी एग्जाम्स एंड पासिंग मार्क्स आर 33। अब 2 से 3 बच्चे, मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि कोई बच्चा है अमित और वो मैथमेटिक्स में 10th क्लास में कंफर्टेबल नहीं है, उसे आगे जाकर मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ना है, तो आप उसे स्वतंत्रता दीजिए कि वो मैथमेटिक्स की बजाय किसी दूसरे ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव कर पाए जिसमें वो अच्छा है, उसे साइंस भी नहीं पढ़ना है। तो क्या हम सारे बच्चों को साइंटिस्ट बनाएंगे? क्या हमें ह्यूमैनिटीज़ वाले लोग नहीं चाहिए? क्या हमें कॉमर्स वाले लोग नहीं चाहिए? क्या हमें होटल मैनेजमेंट वाले लोग नहीं चाहिए? तो ये हम फिल्ट्रेशन करते हैं 10th के बाद, तो 10th के पहले क्यों ना करें हम, क्योंकि ज़्यादातर ड्रॉप आउट जो हो रहा है वो 10th के बाद हो रहा है। तो बच्चे को आज़ादी दी जानी चाहिए उन सब्जेक्ट्स को ना चुनने की जिनमें वो कंफर्टेबल नहीं है। बच्चे को आज़ादी दी जानी चाहिए उन सब्जेक्ट्स को चुनने की जिसमें वो कंफर्टेबल है, ताकि वो 10th क्लास पास करे और आगे सम्मानजनक जीवन जिए, शिक्षित व्यक्ति बनके समाज में आए और उसे सोसाइटी में वो सम्मान मिले जो साइंस वाले को या कॉमर्स वाले को या मैथमेटिक्स में होशियार बच्चे को भी मिलता है। सम ऑफ दी सब्जेक्ट्स कैन बी रिलेटेड टू लाइफ स्किल्स लाइक गार्डनिंग, इस तरह के सब्जेक्ट्स उसे पढ़ाए जा सकते हैं, गार्डनिंग, प्लम्बिंग, अगर किसी बच्चे का प्लम्बिंग में इंटरेस्ट है, सिलाई, कुकिंग, म्यूजिक, वेल्डिंग, पोएम रिसाइटेशन, हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रिशियन वर्क, एयर कंडीशनिंग, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, हेयर ड्रेसिंग, कारपेंट्री। अब आप इसमें से कोई फील्ड उठा लीजिए, क्या कारपेंट्री के फील्ड में एम्प्लॉयमेंट की कमी है? क्या लोगों के घर बनना बंद हो गए हैं? क्या लोग फर्नीचर नहीं लगवा रहे हैं? कारपेंट्री के फील्ड में बहुत सारे लोग सेठ बनकर बैठे हुए हैं। तो अगर बच्चा कारपेंट्री चुनना चाहता है तो उसे कारपेंट्री चुनने का विकल्प दिया जाए 10th क्लास में, अगर वो कारपेंट्री में अच्छा है, उसकी स्किल्स हैं, उसका टेस्ट लिया जाए। अगर और आप कहें कि इसके लिए स्पेशलाइज टीचर की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, जहाँ से वो बाहर से सीखता है सोसाइटी में वहाँ से वो सीखता है, आप टेस्ट कीजिए, अगर वो पैमाने में खराब उतरता है तो 50 नंबर इंटरनल असेसमेंट के हैं और 50 नंबर थ्योरी के हैं, उसका कारपेंट्री का पेपर आएगा, कारपेंट्री एग्जाम देगा वो। अगर वो इलेक्ट्रीशियन वर्क में है, हाउसकीपिंग में है, पोएम रिसाइटेशन में, उसे कविता पाठ करना अच्छा लगता है, तो आप कविता पाठ में दुनिया भर की कविताओं पर उसे कविता पाठ करवाइए, उसका इंटरनल असेसमेंट कीजिए। कुकिंग में है, किसी को हलवाईगिरी में इंटरेस्ट हो सकता है, उसे गुलाब जामुन बनाना आता हो, जलेबी बनाना आता हो, या उसको इमरती बनाना आता हो, तो क्या वो बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेगा आगे जा करके? क्या वो बच्चे के अंदर एक भावना होगी कि हाँ मैंने 10th पास किया है, मैं 12th पास करूँगा? जब आप उसे अपनी स्किल का, क्या इन लाइफ स्किल्स का जीवन में महत्व नहीं है? क्या ये रोज़गार पैदा नहीं करती है? क्या इनका इम्पोर्टेंस कम है कहीं पर? बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो प्लम्बिंग हो, हमारे यहाँ प्लम्बिंग को, गार्डनिंग को, इन सब को निम्नतर कार्य माना जाता है, बेल्टिंग को निम्नतर कार्य माना जाता है। अभी हमारे एक मित्र आए थे दुबई, काफ़ी समय से रहे, उन्होंने बताया कि दुबई में प्लम्बर के लिए, जो स्पेशलाइज प्लम्बर हैं, उनके लिए 90,000 रुपये प्रति महीने पर जॉब्स अवेलेबल है। जर्मनी की एजुकेशन सिस्टम को हमने स्टडी किया तो वहाँ पर हमने पाया कि वहाँ के सिस्टम में किसी व्यक्ति को, प्लम्बर को या इलेक्ट्रीशियन को, एक इंजीनियर से या एक डॉक्टर से नीचा नहीं माना जाता है, वहाँ सबका प्रोफेशन है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है प्रोफेशन के आधार पर। हमने ये दिमाग में बैठा लिया कि डॉक्टर या इंजीनियर है तो बड़ा है, प्लम्बर है तो वो छोटा आदमी है, ये सोच हमें बदलनी होगी। क्यों बदलनी होगी? क्योंकि अभी प्लम्बिंग के आधार पर उसे कोई एग्ज़ाम या डिग्री नहीं मिलती, हम लोगों का आकलन डिग्री के आधार पर करते हैं कि भाई डिग्री है, उसके बाद PhD है तो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, ज़्यादा समझदार आदमी होगा। जब प्लम्बिंग में वो 10th पास करेगा, 12th पास करेगा, सेविंग में करेगा, कुकिंग में करेगा, या फिर वो म्यूजिक में करेगा, अब आप देखिए म्यूजिक इंडस्ट्री कितना बड़ा कारोबार है, चाहे वो डांसिंग की स्किल उसके अंदर हो या सिंगिंग की स्किल हो या आप उसके अंदर किसी इंस्ट्रूमेंट को वो प्ले करता हो, तो ये ऐसी स्किल्स हैं जो उसके जीवन को बदल कर सकती हैं। उसे जिसमें इंटरेस्ट है वो करने दीजिए, उसको वही विषयों का चुनाव वो करेगा। अदर सब्जेक्ट्स कैन बी रिलेटेड टू कंप्यूटर, कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, अच्छे अच्छे पेंटर्स की पेंटिंग आपने देखा करोड़ों में बिक जाती है, तो उसका इंटरेस्ट अगर पेंटिंग में है तो मैथमेटिक्स हटा करके वो पेंटिंग का चयन करेगा, पेंटिंग एग्जाम देगा। अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है, लाइब्रेरी साइंस है, स्टोर कीपिंग है, लिटरेचर है, C++ की कोडिंग है, पाइथन की कोडिंग है, एनी स्पोर्ट, किसी स्पोर्ट में बच्चा अच्छा है कि कबड्डी में बहुत अच्छा कर पा रहा है, तो अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन बन जाता है तो क्या स्कूल का, राज्य का, देश का नाम रोशन नहीं करेगा वो? अगर हम मैथमेटिक्स की वजह से फेल हो गया, इसके अंदर कबड्डी का टैलेंट है तो हम उसको फेलोर घोषित कर देते हैं, भाई कबड्डी का टैलेंट है, क्रिकेट का टैलेंट है, फुटबॉल का टैलेंट है, तो उसका जो टैलेंट है उसी का टेस्ट उसका होना चाहिए, उसी के आधार पर उसको 10th पास करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो 2 से 3 सब्जेक्ट चुनने की उसे सुविधा होनी चाहिए।
व्हाट विल द इम्पैक्ट, इसका असर क्या आएगा? फेलोअर रेट ऑफ स्टूडेंट्स विल डिक्रीज कंसिडरेबली, स्टूडेंट्स के फेल होने की रेट बेहद गिर जाएगी। जो अभी आंकड़े टेंथ क्लास में कम पास होने वाले आते हैं वो आंकड़े तेजी से बढ़ जाएंगे। एक बच्चा जो अपने डांसिंग स्किल के दम पर, एक बच्चा जो कारपेंट्री की स्किल के दम पर, एक बच्चा जो कुकिंग के दम पर टेंथ पास किया है, उसे गर्व महसूस होगा मैंने टेंथ पास किया, मैं टेंथ फेलोअर नहीं हूँ। दे विल लिव ए पॉजिटिव एंड रेस्पेक्टेबल लाइफ। वो हायर एजुकेशन, बहुत सारे लोग टेंथ के बाद हायर एजुकेशन जा ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो फिल्टर जो है 11 से शुरू होता है, 11 से मनपसंद कोर्स चुनेगा, तो चुनेगा तो तब जो टेंथ पास करेगा, तो टेंथ पास उसे पहले टेंथ पास करने, तो फिर मनपसंद कोर्स चुनेगा तो हो सकता है वो ग्रेजुएशन तक जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाए, तो एक पॉजिटिव उसको आशा रहेगी कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ और अपने फील्ड में अपना करियर बना सकता हूँ, तो एक पॉजिटिव और रेस्पेक्टेबल जीवन जिएगा वो। टैलेंट ऑफ अवर चिल्ड्रन एंड यूथ विल बी यूज्ड बाय द कंट्री। क्या अच्छे डांसर, क्या अच्छे म्यूजिशियन, क्या अच्छे कारपेंटर, क्या अच्छे प्लम्बर, क्या अच्छे हलवाई, क्या अच्छे होटल मैनेजमेंट वाले लोग, क्या अच्छे बुक कीपिंग वाले लोग, क्या अच्छे लाइब्रेरी साइंस वाले लोग, क्या अच्छे अकाउंटेंसी वाले लोग की आवश्यकता नहीं है देश को? बिल्कुल आवश्यकता है देश को। क्या अच्छे बेल्टर्स की आवश्यकता नहीं है देश को? बिल्कुल आवश्यकता है देश को, और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रोग्राम चलाया है वो उन बच्चों के लिए चलाया है इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जो बच्चे टेंथ या ट्वेल्थ पास कर चुके हैं। भाई टेंथ पास करने में कौशल उसका बढ़ेगा तो ज़्यादा मजा आएगा। एडिशनली चलाया गया है वो मुख्य धारा में नहीं है अभी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, जो आपकी मुख्य धारा से अच्छा की उसका हिस्सा नहीं है वो अभी साइड में है। अगर कोई सीखना चाहे तो सीख ले, जब वो मुख्य धारा में ये सब्जेक्ट शामिल हो जाएंगे तो हमारे यूथ का, हमारे युवाओं का, हमारे बच्चों की जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसका इस्तेमाल देश को बेहतर बनाने में, तकनीकी रूप से विकसित बनाने में, कुशल बनाने में जब इस्तेमाल होगा तो इस भारत देश की तकदीर बदल सकती है। और इस बदलाव के लिए CBSE ने कुछ कदम उठाया है, 2019 से कुछ बदलाव करने का प्रयास किया है, लेकिन ये बदलाव CBSE ने कुछ लिमिटेड 12-13 सब्जेक्ट का ही चयन किया है। इन सब्जेक्ट का दायरा विस्तृत किया जाना चाहिए और ये अन्य बोर्ड को भी शीघ्र अतिशीघ्र लागू करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।